जानिए इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस कौन ले रहा है। जी हाँ, ये बात समय समय पर आती रहती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई पेड एक्टर कौन है। तो आपको बता देते हैं कि इसमें अब कई नाम जुड़ गए। पहले पवन खेसारी निरहुआ तक ही ये लाइन सीमित रहती थी और यही ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहते थे और भी जितने एक्टर हैं उन्हें अपने मुताबिक पैसे दिया करते थे। लेकिन अब इनमें नाम जुड़ गया है अरविंद अकेला कल्लू का, प्रदीप पांडे चिंटू का। जी हाँ, हम बात करें पवन खेसारी निरहुआ के बाद प्रदीप पांडे चिंटू सबसे सफल हीरोज़ में से एक माने जाते हैं और अब प्रदीप पांडे चिंटू के बाद इसमें नाम अरविंद अकेला कल्लू का भी आ गया है क्योंकि इनकी फिल्में बहुत ही आ रही हैं। खैर, आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राकेश मिश्रा भी अब धीरे धीरे इस लाइन में आ रहे हैं। वैसे राकेश फिल्में नहीं करते हैं लेकिन गानों से ही अब वो इतना कमा रहे हैं कि एक छोटा मोटा कलाकार तो उतनी अपनी फिल्म की फीस ले लेता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है किस पायदान पर। तो हमारे पांचवें पायदान पे हैं अरविंद अकेला कल्लू। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में कर रहे हैं और फिल्मों में उनकी तारीफ भी हो रही है, तो इस हिसाब से उनकी फ़ीस भी बढ़ी हुई है। 10 लाख बताई जा रही है उनकी पर फिल्म की फ़ीस, जो है वो 10 लाख के करीब बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें, अरविंद अकेला कल्लू के गाने भी बहुत बेहतरीन आते हैं, तो इस वो पर गाने का 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं हम इस काउंटडाउन को बढ़ाते हुए, तो चौथे पायदान पर हमारे राकेश मिश्रा साहब हैं। जी हाँ, आप कहेंगे राकेश मिश्रा क्यों, तो हम ये कहेंगे कि ए राजा तनी जाई ना बहरिया और ए राजा तू जवान हम लइका वाले, इस सॉन्ग ने राकेश मिश्रा को भोजपुरी का एक बहुत बड़ा सिंगर बनाकर उभारा है। तो हम आपको ये भी बता दें कि पर गाने का वो 4 लाख रुपए ले रहे हैं। जी हाँ, जो कि ये अमाउंट खेसारी और पवन के अमाउंट के बराबर है अगर सिर्फ गानों की बात करें। फिल्मों में ये ज़्यादा नहीं चलते और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्हें ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, लेकिन गानों में ये छा गए हैं। अब हो सकता है कि फिल्में भी करें लेकिन अभी फ़िलहाल इनके इस गाने की फ़ीस की बात कर रहे हैं हम, तो पर गाना वो 4 लाख रुपए रेकमेंड कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 3 के पोजीशन की, तो भाई ये अभी भी निरहुआ ने ही की हुई है। और आपको ये बता दें कि निरहुआ पर फिल्म का 40 लाख, जी हाँ उनका 40 लाख अमाउंट है उसे चार्ज करते हैं। गाने अभी उतना खास नहीं गा रहे हैं लेकिन निरहुआ पर गाने का 3 लाख चार्ज करते ही करते हैं। और अब नंबर 2 की पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ है प्रदीप पांडे चिंटू। जी हाँ, प्रदीप पांडे चिंटू इसलिए कहेंगे क्योंकि वो भी अपनी फिल्मों का कुछ यही चार्ज कर रहे हैं, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए और धड़ाधड़ फिल्में लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, इनकी फिल्में भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों के बीच ये बहुत अच्छा खासी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाए हुए हैं, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पर हो, फिर वो चाहे फिल्मों और गानों के माध्यम से हो। यहाँ पर प्रदीप पांडे चिंटू एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ नाम है। पवन खेसारी निरहुआ के बाद इन्हें भोजपुरी का एक बड़ा तबका बहुत पसंद कर रहा है। और अब बात होती है नंबर 1 की, ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि नंबर 1 की पोजीशन पर कोई 2 कलाकार हो, हमेशा नंबर 1 कोई एक ही रहता है। लेकिन यहाँ 2 इसलिए कहेंगे कि इन दोनों में इतने कांटे की टक्कर है, इतने कांटे की टक्कर है, एक रिकॉर्ड बनाता है तो दूसरा उसे तोड़ देता है। अब चलिए हम आपको गोल गोल नहीं घुमाते, यहाँ हम पवन खेसारी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पवन और खेसारी दोनों को नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए रखना पड़ रहा है कि हाल ही में दोनों का होली सॉन्ग रिलीज़ हुआ, दोनों के होली सॉन्ग ने तबाही मचाई। फिर इससे कुछ महीने पहले खेसारी की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई रिलीज़ हुई, जो सभी को बहुत पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया। फिर अब बात करते हैं तो खेसारी की अपनी तो जैसे तैसे सॉन्ग ने और 2 रुपया वाले सॉन्ग ने बवाल मचाया हुआ है।
तो खेसारी पर फिल्म करने का 50 लाख लेते। जी हाँ, अब ये उनकी फिक्स अमाउंट है कि पर फिल्म करने का वो 50 लाख लेते हैं। तो वहीं पवन सिंह भी अब पर फिल्म करने का 50 लाख लेते हैं। पवन सिंह कई सालों से 50 लाख ले रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 1-1.5 साल से वो एक फिल्म करने का 50 लाख और एक गाना करने का एग्जैक्ट 4-5 लाख रुपये लेते हैं, और कभी कभी वो 6 लाख भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खेसारी एक गाना करने का 4 लाख लेते हैं, क्योंकि खेसारी के गानों की संख्याएं ज़्यादा होती हैं, पवन सिंह के गानों की संख्या कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में ये दोनों स्टार कहीं ना कहीं पैसों के मामले में एकदम सेम है। फिर वहीं बात अगर हम स्टेज शो की कर लेते हैं, तो स्टेज शो में ये दोनों एक सा चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी हम बात अगर पवन की कर ले, तो थोड़ा पवन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत कम स्टेज शो करते हैं। उस मुकाबले खेसारी उनसे कहीं ज़्यादा स्टेज शो करते हैं, और आजकल खेसारी की मार्केट स्टेज शो में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन वैसे हम बात करेंगे तो पैसे के मामले में तो ये दोनों एकदम सेम है। ये दोनों एक सा ही चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए नंबर 1 की पोजीशन में फीस के मामले में ये दोनों हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।